तो शाइनी, साशा क्रिकेट खेल लिया? तुम जीते या हारे? हाँ पापा, आज हम हार गए, लेकिन पता है आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे। हार गए? लेकिन तुम्हारा कैप्टन नीरज तो बहुत अच्छा है। ओह, वो तो बिल्कुल बेकार कैप्टन है पापा। लेकिन वो पूरी टीम को अच्छे से सिखाता है, तो अगर आज का एक मैच हार भी गए तो कोई बात नहीं। कोई फायदा नहीं पापा, कल से हमारा नया कैप्टन जय बनेगा। उसने आज हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और कहा कि वो हमें हमेशा जीत दिलाएगा। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? हाँ पापा, हम सब ने जय के लिए वोट किया है, हमने नीरज को बाहर निकाल दिया है। तो तुम्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। चलो आओ बैठो यहाँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल पर एक समझदार राजा राज करता था, और वो राजा था शेर, और वो पिछले 30 सालों से इस जंगल पर राज कर रहा था। वो एक अच्छा राजा था, लेकिन सभी जानवरों को ये चिंता थी कि अब वो बूढ़ा हो रहा है। इन्हीं में से कुछ जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस जंगल की परंपरा है कि चुनाव के द्वारा जंगल का अगला राजा चुना जाए। मेरा 5 साल का शासन अब खत्म हो गया है। या तो तुम मुझे अपना राजा चुन सकते हो, या फिर किसी और को जो इसके लायक हो। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं भेड़िया हूं। मैं इस गांव में नया आया हूं, लेकिन एक नेता होने का मुझे बहुत अनुभव है। तुम मुझे अपना राजा बनाओ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और तुम्हारे बच्चे इतने सुरक्षित रहेंगे कि वो कहीं भी जाकर खेल पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, एक नया नेता। वैसे भी शेर अब बूढ़ा हो रहा है। शेर बेवकूफ भी है, अब वो हमारा नेता बनने के लायक नहीं है। नहीं नहीं दोस्तों, इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ, अभी तो हम इस भेड़िए को जानते तक नहीं है। हाँ, चुनाव करने से पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हाथी, दरियाई घोड़े, तुम दोनों भी बूढ़े हो चुके हो। तुम लोगों को जंगल के नए तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता है। हम तो भेड़िए के लिए ही वोट देंगे। हाँ, हमें नया नेता चाहिए। तो आखिरकार चुनाव का दिन आ ही गया। शेर और भेड़िए दोनों ने जंगल का चुनाव लड़ा। शेर बूढ़ा और कमजोर था, जबकि भेड़िया जवान और मजबूत। शेर को बस कुछ बूढ़े जानवरों ने ही वोट दिया था। भेड़िए को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए उसे जंगल का राजा बना दिया गया। शुक्रिया दोस्तों, मुझे अपना राजा चुनने के लिए। ये अभी तक का आपने सबसे सही फैसला दिया है। आज से तुम सब में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तुम्हारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। मुझे लगता है कि ये बगीचा भी मुझे इन बच्चों के खेलने के लिए खोल देना चाहिए। सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। लेकिन वो हिरन का बच्चा कभी वापस नहीं आया। अगली ही शाम खरगोश का बच्चा खो गया। और जब इसी तरह काफी सारे बच्चे गुम होने लगे, तो शेर और कुछ बुजुर्ग जानवरों ने एक सभा बुलाई।
दाल में कुछ तो काला है। अभी तक 10 जानवरों के बच्चे खो चुके हैं, आखिर हो क्या रहा है? हाँ, वो शाही बगीचे में जाते हैं और फिर खो जाते हैं। मुझे लगता है कि बगीचे में कोई परेशानी है। चलो आज जब बच्चे खेलने जाएंगे तो उन पर ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं अपने बेटे को बगीचे में खेलने भेजूंगा। हम सभी आज ध्यान रखेंगे। देखो, सूरज छिपने वाला है, इसी वक्त बच्चे गायब होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखता है। तुम कौन हो? भेड़िया, तुम आओ। ये देखो दोस्तों, ये भेड़िया जो हमारा राजा है वही हमारे बच्चों को मार रहा था। क्या? अब जो हो गया उस पर रोने से क्या फायदा? इस तरह हमारे गलत फैसले हमारा भविष्य खराब कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमने इस खूंखार भेड़िये को सिर्फ इसलिए वोट दिए थे क्योंकि इसने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। हमें कभी भी शेर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि तुमने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा बच्चों। हाँ पापा, मैं समझ गया हूँ कि हमें इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, खासकर जब हम उन्हें अपना नेता चुन रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। अब जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। गुड नाइट पापा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।